साध संगत जी चैनल नू सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकन नू दबा लो, घंटी नू दबा लो, जिस नाल साड़ी हर नवी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच जाएगी। साध संगत जी, कोई भी माँ प्यो होवे अपने बच्चों नू पालन लई हर तरह पूरा जोर लाउंदा है, हर तरह का सुख देने की कोशिश करता है भी मेरे बच्चे की परवरिश विच कोई कमी ना रह जाए। इसी तरह उस माता पिता ने किया। ये भैन वो आप दसती है कि मेरा भरा, मेरे डैडी ने मेरे भरा दियाँ जो भी डिमांडा सी, जो भी मंगता सी, बचपन तो लैके जवानी तक हर कुछ दिता। जिहड़े कॉलेज विच गया उत्थे पढ़ाया, जिथे जाना सी उत्थे जाण लई किराया भाड़ा दिंदे रहे। जे कदे बुलट मंगिया, जिद कीती कहिंदा बुलट लैणा, तो कहिंदे मेरे पिता जी ने उन्हूं बुलट भी लैके दिता। होर भी महंगे महंगे शौक पूरे किए, कहिंदा आईफोन लैणा, आईफोन भी लैके दिता। पिता जी कहिंदे बच्चे नूं हर तरह की खुशी देनी है, पर असल दे विच साध संगत जी ये सच नहीं। असल दे विच बच्चियां नूं ज्ञान देना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए है, जो ताकि बच्चे चंगी पढ़ाई करके चंगी नौकरी ला के अपने शौक अपनी कमाई नाल पूरे कर सकन। पर जिहड़े माँ प्यो ज़्यादा लाड़ लड़ाउंदे ने, अपने बच्चों नूं लाडला रखते ने, वो धोखा खा जाते ने, वो दुखी होंदे ने, क्योंकि उन्हां दे बच्चे पैसे की वैल्यू नूं नहीं समझ सकते। इसी तरह होया, बच्चा लाडा प्यारा नाल पालिया, पर जिहड़ा असली ज्ञान देना सी, असली खजाना देना सी, वो नहीं दिता। उन्हूं जिंदगी जाच, जीवन की जाच नहीं सिखाई, असली ज्ञान नहीं दिता। बिगड़ गया, माड़ी संगत विच पै गया, माड़ी संगत विच जान लग गया, मंडीर विच रहन लग पिया। उहदी भैण दसदी है, मेरा भरा बड़ा सोहना सी, रंग दा बड़ा गोरा सी, सोहनी दस्तार सजाउंदा सी, दाढ़ी केस रखे हुए सी, पर मंडीर विच जाण करके उहने दाढ़ी कटवाती। जद घर आया, मेरे पिता जी बड़े गुस्से हुए, मेरा भी दिल टुट गया। सानू तां सोच सी कि ये अमृत छकेगा, पर इन्हें तां दाढ़ी भी कटवा दित्ती। पर कुछ दिन पिता जी ने गुस्सा किया, पुत्र तां आखिर पुत्र ही हुंदा है, चलो कोई गल नहीं, वड्डा होके विआह करवा लवेगा, विआह करवा के अमृत छक लवेगा। कुछ कु दिन तक कहिंदी मेरे भरा ने शर्म मन्नी, पर फिर वह थोड़ा बेशर्म हो गया। पिता जी ने समझाया, पुत्र माड़े दोस्तों विच, भैड़ियां आदतों वाले दोस्तों विच ना जाया कर, पर वो नहीं मन्निया, जानू नहीं हटिया। पिता जी नाराज भी हुंदे सी, पर उन्हूं कोई फर्क नहीं सी पैंदा। माँ ने बहुत समझाया, रिश्तेदारां ने बहुत समझाया, पर नहीं मन्निया। आखिरकार वो कहिंदे दिनों दिन हथों बाहर हुंदा गया, बिगड़दा गया। एक दिन ऐसा आया कि मेरा भरा पहली बार साढ़े घर दारू पी के वड़ गया। सानू सारी रात नींद नहीं आई, मैनू ते मेरी माता नू पिता नू, कि साढ़े इन्ने सियाने घर विच कदे कोई किसी भी प्रकार का किसी ने नशा नहीं किया, अज भरा पहली बार दारू पी के आया, शराब पी के घर विच आया। सुबह उठिया, माफ़ी मंगी, गलती हो गई पिता जी, पर यह आदत हफ्ते दर वो करन लग पिया। पिता जी ने एक दिन बाहर यारां दोस्तां नाल वेख्या, यारां दोस्तां दे नाल सिगरट भी पी रहा सी, बिगाड़ता, यारां दोस्तां ने बहुत बिगाड़ दिता। पिता जी नाराज हो गए। एक दिन की होया, पिता जी लड़ पए, मेरा भरा मेरे पिता जी नूं मारन तक आया, घर विच कलेश रहन लग पिया। पिता जी भी डिप्रैशन का शिकार हो गए, चिंता विच रहन लग पे पिता जी। मैं रोज़ गुरु घर जांदी सां, मैं एक दिन गुरु घर दे बाबा जी नूं, जो कि रोज़ कथा विचार करते सी, उन्हां नूं पुछया कि बाबा जी, मेरा जिहड़ा भरा है वह माड़ी संगत विच पै गया है, बिगड़ गया है, नशे करन लग पिया है। तां कहिंदी मैनूं बाबा जी ने कहा कि बेटी तू चौपी साहब का पाठ करिया कर। मैं रोज़ एक चौपी साहब का पाठ करना, तो रोज़ अरदास करना। फिर मैं हफ्ते बाद फिर बाबा जी ने बेनती की, बाबा जी मेरा भरा हजे ठीक नहीं हो रहा, कोई होर उपा, कोई होर विधि दसो। बाबा जी कहिंदे चौपी साहब का पाठ अखसी करदी है,
मैं क्या हाँ रोज कर दी बाबा जी। बाबा जी कहते रोज कर दी रह ऐ कर एक ओंकार तू लेके नानक होसी पी सच तक मूल मंत्र दा जाप भी करया कर। जदों जाप करें अपने कोल एक गिलास पानी दा रख लिया कर ते ओ पानी अपने भरा नूं पिया दिया कर। कहिंदी मैं उसे तरह कीता एक महीना कीता मैं जल छकाउणा मेरे भरा दे विच असर आउणा शुरू हो गया उसके जीवन विच बदलाव आउण लग पिया। फिर बाबा जी नाल मैं मिली बाबा जी नूं दस्सिया बाबा जी तुहाडी दस्सी विधि दा नाल मेरे भरा दा जीवन बदल रहा है। फिर बाबा जी ने मैनू कहा कि तेरे भरा नूं गुरु घर लैके आया कर जदों कथा हुंदी है वह कथा सुनेगा उहदे मन दे विचार बदल जाणगे। मैं अपने भरा नूं किवें ना किवें करके मनाया मेरा भरा मेरे नाल जाण लई राजी हो गया। मेरे नाल उह रोज़ गुरु घर जाया करे कथा सुनिया करे। कथा दे विच रोज़ शब्द विचार इतिहास की विचार होनी कथा सुनद्या सुनद्या कहिंदी एक महीना दो महीने तीन महीने बीत गए मेरे भरा दे विच इन्ना बदलाव आ गया कि उन्हें केस दुबारे रख दाढ़ी दुबारे रख ली। ये वेख के मेरे पिता बड़े खुश होए तो उन्होंने खुशियां के हंझू वह तुरे कि मेरा बेटा अज सही राह तुर पिया। बड़े हैरान होए तो वह भैन रो के दस रही सी कि धन गुरु रामदास जी ने किमें कृपा की किमें रोज़ कथा सुन दे नाल उदे मन दे विचार बदल गए किमें उदे ते कृपा हुई। सो साध संगत जी वह भैन दसदी है कि किमें मूल मंत्र का जाप कीतिया किमें गुरु घर जाया कथा सुनिया मेरे भरा का जीवन बदलिया। हुण कहिंदे उह सानू मत्तां दिंदा है ते होरां नूं भी मत्तां दिंदा है। हुण माड़ी संगत विच रहिंदा है गुरु घर जाके सेवा करदा है जोड़े झाड़दा है भांडे मांजदा है लगदा ही नहीं ते हुण जीवन च इन्ना बदलाव आ गया। सो साध संगत जी ये भैन ने दस्या कि किवें धन गुरु रामदास अरदास सुनते हैं कबूल करते हैं। सो साध संगत जी आपां भी गुरु जी के चरणों नाल जुड़िए जिंदगी का लाहा लईए माड़ी संगत तो बचिए।